मैरी गो आर्ट्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग क्राफ्ट में बनाने जा रहे हैं एक कार्डबोर्ड मेस। एक है बहुत ही आसान सा और प्यारा सा गेम है, बहुत अच्छा लगता है इसे खेलने में। इसे कैसे बनाना है मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसे रेक्टेंगल शेप में बनाया है। आप इसे स्क्वायर बोर्ड पे बना सकते हैं, सर्कल बोर्ड यानी कि गोल राउंड बोर्ड पर भी बना सकते हैं, ट्रायंगल पर भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको एक मोटा कार्डबोर्ड, कार्टून का जो आता है उस तरह का मोटा कार्डबोर्ड लेना होगा। उसके बाद कार्डबोर्ड को आप अपने साइड से कट कर लेंगे जिस शेप में बनाना है। उसके बाद आप देखिए इसके कॉर्नर पे मैंने मैच बॉक्स लगाया है। हर कॉर्नर पे चार कॉर्नर है, चारों कोने पे एक एक मैच बॉक्स लगाकर मैंने इसका स्टैंड बना दिया है। उसके आगे क्या करना है, आपको स्केच पेन, पेंसिल या पेन, जिस भी चीज से बेटर होगा कि आप पेंसिल से कट बनाए, आप यहाँ पे मेज बनाएंगे स्केच से। जैसा भी मेज आप बनाना चाहते हैं उस तरह से आप यहाँ पे स्केच कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने इसमें जैसा बनाया आप वैसा ही बनाएं, आप अपने हिसाब से उसको बना लेंगे। और उसके बाद ये कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा है मेरे पास, इसके टुकड़े को हम लोग पतला पतला काट लेते हैं। यही काम आपको करना है। पतला स्ट्रेप से हम लोग काटेंगे। ये देखिए ये काटा ना मैंने। और जैसे आपने स्केच किया है मैं इसका, आप उसको ग्लू से चिपकाते जाएंगे उसके ऊपर जो आपने स्केच किया। ठीक वैसे ही मैंने भी किया है, पहले स्केच किया और उसके बाद इस तरह का स्ट्रेप साइज भी मैं कहीं कहीं पे मैंने इसको जैसा साइज है वैसे छोटा टुकड़ा भी कर लिया है। उस तरह से हम लोग इसको चिपका लेंगे। और साइड में भी आपको साइड में थोड़ा सा चौड़ा रखना है क्योंकि ये हमारा बाउंड्री है इस मैच का। उसके बाद आप बीच में एक राउंड रखेंगे। आप ये राउंड कॉर्नर में भी बना सकते हैं। इस राउंड को आप कॉर्नर साइड में अपनी मर्जी से जहां भी आपको रखना है आप रख सकते हैं, मैंने बीच में रखा है। इसको राउंड शेप में कट कर लेना है और नीचे से आप एक मोटा पेपर चिपका देंगे इस तरह से, तो ये आपका डीप राउंड बन जाएगा। यहाँ पे मैंने गेम का नाम लिख दिया है कार्डबोर्ड मेस, ये देखिए। और इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक स्टैंड लगाया है छोटा सा और टुकड़े करके यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे इसे कैसे हम लोग खेलेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग इसके खेलने के तरीके जानेंगे। ये देखिए ये मेरे पास एक स्टिक है, इस स्टिक को भी मैंने कार्डबोर्ड से ही बनाया है और आगे और पीछे कलर पेपर पेस्ट कर दिया है ताकि ये सुंदर दिखाई दे। और इसके ऊपर में मैंने एक मैग्नेट लगाया है, मैग्नेट को मैंने ग्लू से चिपका दिया है। ये एक छोटा सा मैग्नेट है और ये मेरे पास है स्टील की गोली। चलिए हम इस कार्डबोर्ड मेज को खेलना शुरू करते हैं इस गेम को। यहां पर मैंने एक गोली रखा है और इसे मुझे इसे घुमाते हुए यहां इस होल में डालना है। इसके हम नीचे से डालेंगे, ये जो मेरे हाथ में स्टिक है मैग्नेट वाला इसे हम नीचे से यहां से डालेंगे और यहां से इसे मैग्नेट के सहारे मुझे यहां से इसे निकालना है। ये देखिए ये कितने अच्छे से आ रहा है। और इसे कौन ला रहा है तो ये मैग्नेट के लाऊंगी और ये
ये देखिए ये यहाँ के इस होल में गिर गया। इसी तरह से हम बाकी गोलियों को भी यहाँ डालेंगे और मैग्नेट के सहारे इसे, और ये बहुत ही अच्छा आपका मन लगाने वाला गेम है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है या स्टील की गोली नहीं है तो आपके पास एक दूसरा उपाय है कि आप इसकी जगह ब्लैक मोती या वाइट मोती का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे मैग्नेट के सहारे, तो मैंने आपको खेल के दिखाई, अब इसे आप हाथ में भी लेके खेल सकते हैं। इसे मैग्नेट स्टिक से खेलना है इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैंड लगाया था, लेकिन इसे आप हैंड में भी लेके बहुत आराम से खेल सकते हैं। ये देखिए फिलहाल मैं आपको स्टील की ही गोली से आप यहाँ पे मोती भी यूज कर सकते हैं, खेल के आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप बहुत आराम से इसे खेल सकते हैं। यह मैंने यहाँ पे पूरा मैग्नेट रख दिया है और ये देखिए हम एक साथ इसे उस होल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक एक करके भी डाल सकते हैं और एक साथ भी डाल सकते हैं। ये देखिए तीन स्टील की गोली इस होल में जा चुकी है और दो अभी और जाने वाली है। अब बस एक गोली उसे भी छह गोली मेरे पास थी स्टील की, जहाँ कि आप, मैंने आपको कहा कि आप मोती भी यूज कर सकते हैं, और ये छह जो गोलियां थी ये सारी गोलियां इस होल में जा चुकी हैं। और आप भी आपने देखा कि मैग्नेट स्टिक के बिना भी इसे कैसे खेला जा सकता है। उम्मीद है कि आपको ये कार्डबोर्ड मेज जरूर पसंद आया होगा और आप इसे जरूर बनाएंगे। अगले वीडियो में मैं फिर आऊंगी किसी नए क्राफ्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।